ये फ्रिज का डिफ्रीजर मैंने अभी बंद कर दिया है। इसको मुझे साफ़ करना है, कुछ चीज़ें निकालनी हैं और इसमें बर्फ़ बहुत जम गई है, तो इसको आज जो है हम साफ़ करेंगे। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा खुला छोड़ दिया है ताकि ये जल्दी से जो है ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। अच्छा जी, मैंने ना थोड़े से सेब और गाजर और एक आधा चुकंदर जो है वो काट के निकाला है, निकाला नहीं है मतलब काट के साफ़ किया है जूस निकालने के लिए। तो ज़रा सी हम जान बना लें और जूस निकाल के पी लें। ये हैं तीनों चीज़ें, सेब है, गाजर है और आधा चुकंदर है। तो इसका मैं जूस निकालूंगी जनाब और फिर हम उसको पियेंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैं बनाने जा रही हूँ मटर आलू टमाटर का सालन, और वो बनेगा हमारा मटन में। और इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 1 बड़ा अदद टमाटर लिया है और ये मैं इसको पीसने लगी हूँ। ऑयल डाल दिया है मैंने और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है मेरे पास फ्राई करके रखी हुई थी और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे गोश्त। और इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, इसमें मैंने जो प्याज टमाटर सब पीसा था मसाले में डाल दिया था, इसमें सिर्फ जो मसाला पड़ा है नमक मेरा हल्दी और देगी मिर्च वो मैंने डाली है और मैंने गोश गलने के लिए छोड़ दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी मटर और साथ में जाएंगे आलू और इनको हम रख देंगे गलने के लिए। तो जनाब ये हो गया तैयार और इसमें मैंने ऊपर से डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्च और धनिया, हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा था वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। और जनाब ये हो गया है बिल्कुल तैयार।